ये जो निर्णय लिया गया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिन लोगों की गंगा मैया पर आस्था है, जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, भले किसी भी देश में निवास कर रहे हों, विशेष करके पाकिस्तान तो हमारा भारत का ही हिस्सा रहा है, इसलिए उसमें पाकिस्तान में निवास करने में बहुत से हिंदू जिनके रिश्तेदार वगैरह इधर नहीं हैं, उनको भी उनकी भी गंगा मैया पर आस्था है, धर्म पर आस्था है, अपने देश से प्रेम है, इसलिए जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत ही देशवासियों के लिए और पाकिस्तान में निवास कर रहे जो हिंदू भाई हैं, सनातन धर्मावलंबी है, उनको बहुत बहुत सबको बधाई है, बहुत ही हर्ष का विषय है, ये बहुत ही श्लाघनीय जो है निर्णय लिया गया है। ये इसके लिए जो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो बधाई की पात्र हैं और ऐसे निर्णय आगे से आगे जो है लेते रहें, इसी शुभकामनाएँ हम देते हैं सरकार को। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए हम तीर्थ पुरोहित का स्वागत करते हैं। दूसरा विषय ये है कि सनातन पे इसका जो प्रभाव है, अस्थि विसर्जन का गंगा जी में एक अपना ही महत्व है और हर जीवित प्राणी जो सनातन पे देखता है या चलता है उसकी पद्धति को अपनाता है, उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियाँ मेरा परिवार गंगा जी की गोद में लेके जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। आज सनातन के इस काल में, कलयुग में, हरिद्वार में और गंगा जी को ही इस कलयुग का तीर्थ कहा गया है, तो ऐसा निर्णय लेना कि अब कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति दूसरे देश, अपने पड़ोसी मुल्क से भी हरिद्वार अपने परिवारजनों की, अपने जान पहचान वालों की, अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को हरिद्वार ला के उनको माँ गंगा की गोद में विसर्जित कर सकता है, ये बहुत ही अच्छा और सुंदर निर्णय है। इससे सनातन के प्रति लोगों की जो आस्था है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, हरिद्वार में जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे उस तीर्थाटन के लिए और अपने परिवारजनों को मोक्ष के लिए, वो हरिद्वार आसानी से आ भी सकेंगे। ये हरिद्वार के लिए और पूरे देश के लिए बहुत एक अच्छा और साहसिक निर्णय है। देखिए ये बहुत ही सुखद निर्णय है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हमारे हिंदू धर्मावलंबी लोग, वो इस सनातन परंपरा की इस प्रक्रिया के लिए अपने परिजनों की मोक्ष की कामना को पूर्ण नहीं कर पाते थे, इन्हीं परेशानियों के कारण बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने आती थी, उनको जब ये प्रयास किया जाता था तो उसमें असफल भी हो जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार जिस प्रकार से सनातन परंपराओं का सम्मान करते हुए कहीं भी बैठे हुए हिंदू धर्मावलंबियों की सुख सुविधा एवं हिंदू धर्मावलंबियों की परंपराओं की चिंता करते हुए ये अगर संशोधन किया है तो इसका हम स्वागत करते हैं, हम मान करते हैं। ये वही कदम है कि भारत जिस प्रकार से विश्व स्तर की ओर, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, उसी का कारण यही है कि सनातन परंपराओं की प्रगाढ़ता और सनातन परंपराओं की संस्कृति और नियम, उन नियमों को, जैसा कि 16 संस्कारों के अंदर हमारे यहाँ एक अस्थि प्रवाह का भी संस्कार होता है, उन ऐसे ही सभी संस्कारों को लगातार अगर सरकारें उसका सम्मान करते हुए, उनको मान देते हुए इनको बढ़ाने का प्रयास करेगी तो ये भारत निश्चित तौर पर विश्व गुरु की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगा।